चाइना एनसी, इस सारे प्रकरण में इन दोनों लोगों की बात सुनने के बाद बार बार जो सवाल उठ रहा है उसमें आपकी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार पर भी निशाना साध रही है, क्या ये बिल्कुल राजनीतिक, ये राजनीतिक एंगल क्यों? क्या आप लोग ये देखिए, क्लेम कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई राजनीतिक मोड़ है, कहीं राजनीतिक दबाव है, पहले कोई नेता भी है जो छुपाना चाह रहा तो है कुछ या कुछ और है? रोहित जी जी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक, जब सुशांत सिंह राजपूत का जो तीन ऑप्शंस है हमारे सामने, एक है सुसाइड, एक है अबेटमेंट सुसाइड और एक है मर्डर, जो 40 दिन तक असक्षम महाराष्ट्र सरकार, मैं बोल रही हूँ असक्षम महाराष्ट्र पुलिस कोई भी निकाल पे नहीं पहुंच सकती है, और फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट बनता है जहां कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केस हैं वो सीबीआई तक देना चाहिए। तो पहला सवाल ये उठता है कि जब उनके पिताजी ने कहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन और मनी लॉन्ड्रिंग का कैंगल बनता है, तो क्या महाराष्ट्र की पुलिस को ईसीएआर या डायरेक्टर ऑफ ईडी को ये केस रजिस्टर नहीं करना चाहिए था? इतना रिलक्टेंस है, और ये रिलक्टेंस की वजह से हम बोल रहे हैं कि सीबीआई को सौंप दीजिए, जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक इतने है, सारे एंगल्स जो निकले हैं उसके ऊपर बुनियादी तौर पे सबूत के आधार पे तय होगा कि क्या हुआ था। ठीक आप है, और हम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं टीआरपी चलेंगे इस केस पे क्योंकि हाई प्रोफाइल है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उज्ज्वल निकम साहब ने एक बात कही कि कानून पब्लिक सेंटीमेंट से नहीं चलता, कानून सबूतों से चलता है, तथ्यों से चलता है। उज्ज्वल निकम साहब, सात लोग इस पैनल में थे, उनमें से पांच ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और आप और जैन साहब वो कह रहे हैं कि भाई कानून सम्मत तरीके से जो चीजें हों उस हिसाब से चीजें आगे जाएं। सबको सुनने के बाद आपको लगता है कि ये झगड़ा खत्म हो जाता अगर सीबीआई को सौंप देती महाराष्ट्र की सरकार पहले दिन, जब सबने मांग की कि भाई सीबीआई जांच करा लो, महाराष्ट्र सरकार एडमेंटली कहती रही कि नहीं, नहीं करवानी है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये झगड़ा खत्म जरूर हो जाता था अगर उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार कह देती थी कि ये सीबीआई को जांच सौंपी जाए। लेकिन मैंने जहां तक आमतौर पर देखा, हमारे पूरे देश में हर स्टेट को खुद का प्रेस्टीज इश्यू रहता है, हर स्टेट को एक ईगो रहता है कि हमारी पुलिस के पास से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देना यानी हमारी इनकॉम्पिटेंसी प्रदर्शित करना। ये मैंने 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में भी देखा था, जब 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट बंबई में हुए थे 12 मार्च को, जो मैंने ट्रायल चलाई थी, उस वक्त सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने का क्या नहीं देने का, क्या चार्जशीट के बाद देने का। तब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि बंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट तक बंबई पुलिस करेगी, बाहर का जो ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगा, चार्जशीट के बाद सौंप दिया। तो हर स्टेट का ये सवाल रहता है, प्रेस्टीज इश्यू रहता है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ी पेशी वाला केस नहीं है। मुंबई पुलिस ने क्या इंक्वायरी में क्या सबूत प्राप्त किए वो उन्होंने लीक नहीं किए, बिहार पुलिस ने लीक कर दिए, इसलिए आज हम मुंबई पुलिस के बारे में, इनकॉम्पिटेंसी के बारे में कुछ लोग कीचड़ उठा रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि वी शुड डिमोरलाइज डिसकरेज मुंबई पुलिस, क्योंकि मैंने मुंबई पुलिस के अजमल कसाब सहित आज कई मामले, गुलशन कुमार मर्डर के संजय दत्त का मामला कई चलाए जहां उन्होंने बहुत प्रोफेशनली एफिशिएंसी दिखाई है, और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी ये प्रेस्टीज इश्यू नहीं करना चाहिए। अगर सीबीआई को देना चाहती हो तो सीबीआई ले सकती है।